सो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स FB1। ये ऑलमोस्ट 1600 से 1800 के बीच में आते हैं। फास्ट ट्रैक ने मुझे ये भेजा है, मैं लास्ट 10 दिनों से इनको यूज़ कर रहा हूँ। आई हैव सम थॉट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी में प्लास्टिक और मेटल का यूज़ किया गया है एंड अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, लॉन्ग लास्टिंग डेफिनेटली लगती है। एंड जैसे ही फास्ट ट्रैक के जनरली प्रोडक्ट्स होते हैं वैसे ही है। एंड मेरे को बिल्ड क्वालिटी में कुछ इशूज़ नज़र आए जो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नेक बैंड तो लगते हैं। इश्यूज़ क्या मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, ये इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी नेक बैंड वैसे फोल्ड करके अपने पॉकेट में डालोगे तो ये वो नेक बैंड्स नहीं है। दूसरी चीज़, इनमें जो बटन्स दिया गया है वो अच्छा है, सेपरेटेड बटन्स है, मतलब अलग अलग बटन्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बटन का चैनल है एंड ऊपर नीचे आपको प्रेस करके अलग अलग फंक्शंस मिल जाते हैं। अलग अलग बटन्स दिए गए हैं जैसे बता चुका हूँ। एंड उन बटन्स की क्वालिटी मुझे थोड़ी चीप लगी। प्लास्टिक की क्वालिटी तो है ही, बट वो इतनी अच्छी प्लास्टिक नहीं लगती है। एंड आई रियली डोंट नो बटन कितने दिन लास्ट करेंगे। उनकी क्लिक की फीडबैक अच्छी है बट बटन की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। फर्दर, इनमें मेटल का आपको ईयरबड मिल जाता है जिसके हेल्प के थ्रू आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो मैग्नेटिकली, बट उसका कोई और फंक्शन नहीं है। इट इज़ जस्ट देयर, मतलब बस चिपक जाते हैं सो दैट आपके गले से गिरे ना कहीं ये, लेकिन इनका कोई और फंक्शन नहीं है। फर्दर, इनमें आपको IPX4 की रेटिंग मिल जाती है एंड ये स्वेट प्रूफ हैं, डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। एंड इनकी अगर मैं कंफर्ट और फिट की बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट हुए, काफ़ी कंफर्टेबल थे। एंड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं तो आपके नेक के अराउंड जब ये बैठते हैं, जब आप इनको पहनते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो उस मामले में थम्स अप है इन नेक बैंड को। फर्दर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी कैसी है? कनेक्टिविटी स्टेबल है, AAC कोडेक का यूज़ किया गया है एंड कहीं भी लैग या चॉपिनेस महसूस नहीं होता है। लेकिन इसकी रेंज मुझे बेकार लगी है, ओकेश भी नहीं, बेकार लगी। क्योंकि सपोज़ मैं इस रूम में बैठा हूँ जहाँ पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ और मैं जस्ट अपने किचन में जाता हूँ तो जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक होने लगती है। सो काफ़ी कम रेंज प्रोवाइड की गई है डिस्पाइट हैविंग ब्लूटूथ 5। आई डोंट नो क्यों, बट कनेक्टिविटी में जो रेंज थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी है। हाँ, लेकिन अगर आपके पॉकेट में फ़ोन है तो कनेक्टिविटी में कोई भी ऐसा इशू नहीं आता है। बट एक रूम से दूसरे रूम जाओगे डेफिनेटली इसमें ब्रेकेज मिलती है आपको कनेक्टिविटी में। सो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। सो गाइज, अगर मैं फर्दर बात करूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका जो वोकल्स है, वोकल्स का जो सिग्नेचर है बहुत अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट वोकल्स प्रोवाइड करता है ये इस प्राइस ब्रैकेट में। ट्रेबल भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, टाइट है एंड ऑन पॉइंट है। मुझे कोई भी इशू नहीं आई वोकल्स में एंड ट्रेबल्स में। बट जो बेस है वो मेरे को हल्का सा कम लगा एंड बेस लवर्स को ये डेफिनेटली पसंद नहीं आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो म्यूज़िक सिग्नेचर था, ऑडियो सिग्नेचर था, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बेस थोड़ा और होता ना, वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग नेक बैंड्स होती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिनको पॉडकास्ट और ऑडियो बुक में इंटरेस्ट है, आप इनको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। लेटेंसी की अगर बात करूँ तो लेटेंसी काफ़ी कम है। वीडियोज़ देखते टाइम आपको कोई लेटेंसी फील नहीं होगी, गेमिंग करते टाइम भी आपको इतनी कोई खास लेटेंसी फील नहीं होगी। एंड गेमिंग के दौरान जो डिटेल्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से सुनाई देते हैं, लाइक फुटस्टेप्स एंड गोली की आवाज़ सब इजीली सुनाई देती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्दर बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। कॉलिंग इनमें हो जाती है ठीक ठाक, इंडोर्स में ठीक ठाक कॉलिंग हो जाती है, आउटडोर्स में थोड़ी आपको दिक्कतें हो सकती है। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की, अगर आप वाईफाई कॉलिंग करते हो, बहुत सारे लोगों के पास ये ऑप्शन है अभी वाईफाई कॉलिंग का, अगर आप करते हो तो इसमें आपकी आवाज़ लो हो जाती है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपकी आवाज़ लो हो जाती है। दूसरा इंसान बार बार ये कंप्लेन करेगा कि तेरी आवाज़ जो है वो बहुत दूर से आ रही है, बहुत कम आ रही है। लेकिन जैसे आप नॉर्मल कॉलिंग करते हो ना तो आपकी आवाज़ मस्त रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैंने ये नोटिस की कि व्हाट्सएप कॉलिंग के भी टाइम पे आपकी आवाज़ हल्की सी लो रहती है। एंड हाँ, ओवरऑल दोनों ही कॉलिंग के टाइम पे आपकी आवाज़ थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी। ये रही मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। सो ये जो नेक बैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ, दीज आर रिफ्लेक्स ट्यून्स FB1 वायरलेस नेक बैंड। ये फास्ट ट्रैक के हैं, फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स FB1। एंड मैं अभी इंडोर्स में हूँ और कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं है मेरे यहाँ पे एंड एकदम शांत है अभी मेरा एनवायरनमेंट और फैन भी बंद है। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? हाँ, सो मैं अभी एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट में हूँ, बस मैंने फैन ऑन कर दिया, कोई भी बैकग्राउंड नॉइज वगैरह नहीं है। तो अभी मेरी आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है? हाँ, तो मैंने अभी बैकग्राउंड नॉइज ऐड कर दिया ट्रैफिक का एंड मैं हूँ तो रूम में लेकिन बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज है मेरे। तो तुझे मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड की जो आवाज़ है उसको कितने
अच्छे तरीके से काट रहा है या नहीं काट रहा है बता। सो गाइस कॉलिंग के बाद अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। कंपनी जो है वो क्लेम करती है 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, मुझे 4 आवर्स 45 मिनट्स तक का बैटरी बैकअप मिला है 60% वॉल्यूम एंड 1 आवर में ये इजीली चार्ज हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इनमें आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, आई मीन कम ऑन फास्ट ट्रैक यार, थोड़ी रिसर्च कर लेते इस प्राइस ब्रैकेट में, लाइक 1800 की रेंज में कोई भी माइक्रो यूएसबी पोर्ट नहीं देता है। सो चार्जिंग तो फास्ट हो जाती है बट अगर टाइप सी पोर्ट दे देते तो सोने पे सुहागा हो जाता। खैर मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मतलब क्या आपको ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, 1800 के हिसाब से मैं बोलूँगा और बेटर ऑप्शंस डेफिनेटली हैं इस प्राइस ब्रैकेट में, जो आपको काफ़ी बेहतर कॉलिंग एंड लेटेंसी एंड ऑडियो भी कुछ हद तक प्रोवाइड करते हैं। ये जो है अगर 1200 में मिलते ना मैं 100% रिकमेंड करता, बट 1800 में दे आर क्वाइट ओवर प्राइज्ड एंड अगर आप नहीं खरीदोगे तो बेटर होगा। सो गाइज यही था मेरा पूरा रिव्यू, अगर आपको खरीदने का मन है तो आप खरीद सकते हो, ऑडियो बुक्स एंड पॉडकास्ट के लिए बहुत बढ़िया है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे। फर्दर किसी भी नेक बैंड को लेके या इसी नेक बैंड को लेके आपका कोई भी सवाल या सुझाव है कमेंट कर सकते हो, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दे रखा है, मेरे को जाके फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।